इस वीडियो का उद्देश्य किसी की भावना को आहत करना नहीं है, बल्कि जो पुस्तक में लिखा है उसी को समझने और समझाने का प्रयास है। ध्यान से सुने और आप स्वयं निर्णय लें। आप उस दिन भगवान बुद्ध को ये भी गाली दे रहा था, अरे उसको बच्चा पैदा हुआ, उसके घरवाली आ गया, इसको इस सेइंग कौन गाली दे देयर रहा था? नहीं, कौन गाली दे रहा था? सर ट्रबल मेकर्स आ गया, ऐसा बुद्ध ने नहीं, बोलता गाली था। कौन दे रहा था पहले ये तो बताइए, गाली कौन नहीं दे नहीं रहा था? सर, आप कभी गाली नहीं देते हैं, आप बुद्ध भगवान ही बोलते हैं। अंबेडकर को लेकिन अंबेडकर किसको जी बोला ही, आपने कि गाली दे रहा नोबेल था? किसको हुगो। किसको बोला? नहीं, आप बोल नहीं, रहे बोला थे किसको सर? ये। नहीं, नहीं, सर सॉरी, वो गाली दे रहा था वो नहीं, माफी मांगो। थोड़ा। पहले मेरे चैनल पे कोई बुद्ध जी को गाली नहीं देता है, और कोई गाली देने का प्रयास करता है तो या तो मैं फौरन उसको भगा देता हूँ, नहीं तो बोलने नहीं देता हूँ। कैसे सॉरी कह सर, दिया आपने सर? सॉरी सॉरी, मुंह से निकल गया, आई एम सॉरी। नहीं तो मुंह से निकल गया तो थोड़ा मुंह पे ना वो पेपर का ठीक इस्तेमाल करें। है सर, जी ठीक है। सुनिए सर, थोड़ा हाँ सुनिए, हाँ बुद्ध हाँ भगवान यहाँ पे थियोरी ऑफ एवोल्यूशन का रिसर्च पेपर नहीं पब्लिश कर रहा है अच्छा अच्छा यहाँ क्या कर पे। रहा था सर? हाँ, ये आदमी जो जन्मना ब्राह्मणा बोलते थे ना, उसको समझ रहा है, समझा रहा है कि बेटा अब जन्मना देखो। ब्राह्मणा, ये जन्मना ब्राह्मणा कर्मणा ब्राह्मणा पे आ गए हम। अभी हमको इसमें आप इवोल्यूशन दिखा रहे थे, अब जन्मना कर्मणा ब्राह्मणा हमको समझाने लगे। भैया ये जन्मना क्यों कर्मणा ब्राह्मण वाली बात सबसे नीचे आती है, यहाँ आती है सर, यहाँ पे आती है। ये चार वर्णों सर, का, सुनो सर, पहले चार वर्णों का निर्माण यहाँ पर होता है, उसके बारे में यहाँ पर बताते हैं। उसके पहले वो बता रहे थे कि सृष्टि में जीवन कैसे आया, ठीक है, स्त्री पुरुष के भेद कैसे हुए, ठीक है, ये बता रहे हैं। ये जन्मना कर्मणा ब्राह्मण सर बहुत बाद सर में आता है सर सर। सर सर ये सब चीज, ये ओरिजिन ऑफ द वर्ल्ड, ये पूरे चीज बुद्धा ने क्यों एक्सप्लेन कर रहा है यहां पर? वसेट्टा को क्यों एक्सप्लेन कर अरे रहा हम कह रहे हैं एक्सप्लेन करने के लिए, तो बहुत सारे लोगों ने भी दुनिया भर की चीजें एक्सप्लेन की है। किसी ने कहा है कि है? भैया नहीं धरती सर, घूमी नहीं है, सर ग्रोफर सर घूमी है। सर खाली सुनो इस सर, इस मेरी बात सुनो। सबसे बड़ी बात है कि जो व्यक्ति इस सूत्र को पढ़ लिया वह व्यक्ति स्पेशल ब्रांड बन जाता है बेवकूफी का। वो सर चीज इसमें है नहीं, सुनो सर, नहीं वो सर, चीज इसमें सुनिए सर, है नहीं। क्यों सर मतलब ऐसा नहीं मतलब बोलिए सर, ऐसा मत क्यों जिद बोलिए कर रहे हो सर, सर? नहीं, क्यों जिद ऐसा कर मत रहे हो? वो चीज बोलिए। इसमें है नहीं, वो क्यों मनवाना चाहते हो सर? इसमें अमीबा दिखाओ मेरे को, मान लूंगा मैं। अरे अरे, व्हाट आर यू सेइंग? ये अज्ञान सुत्ता में क्या क्या स्टार्ट हो जाता है? वसेट्टा आ गया जब बुद्धा ने उधर वॉकिंग कर रहा था, वसेट्टा ने पूछा बुद्धा को, अरे बुद्धा ये हमारे घर में ऐसा बोलते हैं जन्मना ब्राह्मण, ये है क्या, बताइए मुझे इसके बारे में थोड़ा, ये नहीं, पूछते यहाँ हैं पे बोलते वसेट्टा। हैं वो, यहाँ पे बोलते हैं वहां। इसके पहले अगर जिस सूत्र की बात कर रहे हैं, अंगद सूत्र की बात कर रहे हैं, इसमें बहुत सारे सवाल खड़े किए गए हैं, ठीक है। नहीं, वो यहाँ पे आते हैं, पहला सवाल क्या है अरे बताइए। हम कह रहे हैं कि चारों वर्णों के निर्माण की बात यहाँ पर आती है, तीसरा भाग है ये। पहले हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, मैं इसकी बात नहीं दूसरे सर, भाग में यहाँ की बात कर रहा हूँ, अच्छा अज्ञाना ठीक सूत्ता है। की फर्स्ट पेज ओपन कीजिए, अज्ञाना सूत्ता के पहले पेज ओपन कीजिए। अरे ये उल्टा ही गपोड़ी मेरे को गपोड़ी बोल रहा है। जो प्रत्यक्ष है उसको नहीं मान रहा है, कह रहा है कि ये वर्ण व्यवस्था की बात हो रही है। बेवकूफ आदमी, मेरे को ये बताओ कि वर्ण व्यवस्था की बात कैसे हो जाएगी? सृष्टि बनी नहीं तब तक ब्राह्मण वैश्य क्षत्रिय कहां से आ जाएंगे? मनुष्य अरे बना नहीं तो यार, उसका विभाजन कहां से हो जाएगा? जो चीज अरे हुई नहीं यार, उसके बारे में खुद एक्सप्लेनेशन कैसे दे रहे हैं सर? क्या बात करते हो अच्छा सर? एकदम निराल बेवकूफ आदमी हो क्या पूरे के पूरे? अच्छा इसने मैं अमीबा बिल्कुल, खोज लिया। 1 मिनट मेरे को बताओ, चावल किसने खाया था? अमीबा चावल खाया था कि मनुष्य चावल खाया था? बस मेरे को ये बता दो, इसी सूत्र के हिसाब से बता दो, चावल खाया कौन था, अमीबा या वो क्या नाम है वो मनुष्य? यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? मुंह छूने से सर हो जाता है। अज्ञान सूत्ता का पहला पेज ओपन कीजिए सर। आप पढ़ो ना, अच्छा पहला पेज क्या है, ठीक ओरिजिनल है, क्या आप पहला पेज है? अच्छा 1 सेकंड दीजिए, मैं खुद शेयर करूंगा, हाँ पेज शेयर शेयर करो, करूंगा। हाँ पेज शेयर करो मेरे साथ, अच्छा और मुझे उसमें अमीबा दिखाना। अमीबा भी सोच रहा होगा, ससुराम चावल कहां से खा लिए। अच्छा सर ठीक है, मैं स्क्रीन शेयर किया हूँ, थोड़ा देखिए सर। हाँ दिखाए 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 सर, दिखाए। तो अंग्रेजी मत दिखाइए, हिंदी दिखाइएगा, क्योंकि अंग्रेजी मेरे को नहीं आती साहब। देखिए सर, इसको थोड़ा पढ़िए सर। वसेट्टा, यू आर बोथ ब्राह्मिन्स बाय बर्थ एंड क्लैन। प्रोफेशन एमुंडा पढ़िए सर, जी, हाईलाइट इसमें किया हूँ। इसमें मैं इंग्लिश में एक बार पढ़ देता हूँ। यहाँ लिखा है वसेट्टा, यू आर बोथ ब्राह्मिन बाय बर्थ एंड क्लैन। यहाँ पे कहा रोहन जा जी रहा चुप है क्यों हो कि गए? आप ब्राह्मण है जन्म से भी और क्लैन से भी। क्लैन मतलब जो है, जो जगह पे, जो एरिया में लोग रहते हैं,
वो यहाँ पे हम जन्मना नहीं देख रहे हैं, लेकिन यहाँ बर्थ लिखा हुआ है, ब्राह्मण बाई बर्थ। तो इस पर रोहन सक्सेना जी, माना कि यहाँ बर्थ लिखा है, आप कौन सा साक्ष्य दिखा रहे हैं, इसकी ऑथेंटिसिटी क्या है सर रोहन जी? सर यहाँ पे बुद्धा ने वही पूछ रहा है वशिष्ठा को, क्या आपको गाली देते हैं क्या? तुम भाई बर्थ ब्राह्मण है, तुम अभी ये हमारे मॉन्क से, मॉन्क ये श्रमण कल्चर में आ रहा है, इसीलिए आपको गाली मिलता है क्या? इसीलिए वो वशिष्ठा रिप्लाई करता है, द ब्राह्मण्स डू इंसल्ट एंड अब्यूज अस विद देयर टिपिकल इंसल्ट्स टू द फुलेस्ट एक्सटेंट। फिर बुद्धा ने पूछते हैं, हाउ डू द ब्राह्मण्स इंसल्ट यू? जी, देखिए इस सर, द ब्राह्मण्स पर ओनली, द ब्राह्मण्स आर द हाईएस्ट कैस्ट एंड अदर कैस्ट आर इंफीरियर। ओनली द ब्राह्मण्स आर द लाइट कैस्ट, अदर कैस्ट आर डार्क। ओनली ब्राह्मण्स आर प्यूरिफाइड, नॉट अदर्स। ओनली ब्राह्मण्स आर ब्रह्मास राइटफुल सन्स, बॉर्न ऑफ हिज माउथ, बॉर्न ऑफ ब्रह्मा, क्रिएटेड बाय ब्रह्मा, हियर्स ऑफ ब्रह्मा। ऐसे मुझे गाली देते हैं। फिर ऐसे जब होता है, बुद्धा ने उसके बाद इसको एक्सप्लेन करता है, ये सब वेस्टफुल रबिश है, इसका ओरिजिन्स ऑफ द वर्ल्ड जी इसीलिए एक्सप्लेन करते हैं। जी आप पहले जो आगे 4 बात बता रहे थे, अदर कास्ट आर इंफीरियर, उसे लगाइएगा, मैं कुशवाहा जी को समझाता हूँ। कुशवाहा जी, आप जवाब के लिए तैयार रहिए। जो 4 आप दिखा रहे थे, ब्राह्मण सार, हाँ कुशवाहा जी, इधर पहला लिखा है ब्राह्मणा भन्ते एवं हमसु, जो सर द ब्राह्मण से, हाँ उसके ये आ आगे गया। है उन, हाँ एक मिनट एक इसके मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, ये अंगद सूत्र मैंने भी निकाल लिया हिंदी वाला, अब मैं इनसे बात करता हूँ। ये है वर्ण व्यवस्था खंडन, ठीक है? अंगद सूत्र वर्ण व्यवस्था खंडन पर ये शुरू होता है। इसमें क्या है कि एक व्यक्ति है और वो आता है और कहता है, इसमें क्या क्या है मैं बता देता हूँ। रुको मैं दिखा देता हूँ, दर्शकों को भी पता चल जाएगा और अभी इनका लीपा पोती भी सबको पता चल जाएगा। ये देखो दर्शकों, ये सुत्त पिटक का दिग्ने का है, इसके अनुवादक है भिक्षु राहुल सास्केत्यायन, भिक्षु जगदीश कश्यप, ठीक है? जो मैं बुक आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ, ये मूल अनुवाद है और इस पे हम चलते हैं पेज नंबर 243। तो दर्शकों ये आप अच्छा देख सकते हैं, ये अंगज सूत्र है 3-4, और यहाँ देखिए इसमें दो चीज है, इसे अलग अलग चैप्टर दिए हुए हैं, देख सकते हैं। पहला क्या है कि वर्ण व्यवस्था का खंडन किया गया है, दूसरे में मनुष्य जाति की प्रगति के बारे में बात की गई है, ठीक। फिर पहला है प्रलय के बाद सृष्टि, सत्वों का आरंभिक आहार, स्त्री पुरुष के भेद, वैयक्तिक संपत्ति का आरंभ, चारों वर्णों का निर्माण, राजा क्षत्रिय की उत्पत्ति, ब्राह्मण की उत्पत्ति, वैश्य की उत्पत्ति, शूद्रों की उत्पत्ति, श्रमण संन्यासी की उत्पत्ति, जन्म नहीं कर्म प्रधान है। तो ये पूरा का पूरा जो अंगज सूत्र है, इसमें ये सारी बातें जो है सम्मिलित की गई हैं। इसकी शुरुआत क्या होती है, अब शुरुआत देख लीजिए। अब क्या होता है, ऐसा मैंने सुना है, एक समय भगवान श्रावस्ती में मृगार माता के प्रसाद पूर्वाराम में विहार करते थे, यानी कि वहां पे रह रहे थे। तो उसी समय वशिष्ठ नाम का एक भारद्वाज गोत्रीय ब्राह्मण है, वो प्रव्रज्या लेने की इच्छा से भिक्षुओं के साथ परिवास कर रहे थे। कौन? वशिष्ठ नाम के एक व्यक्ति थे और वो भी भिक्षु बनने की इच्छा में वहां पे रहा करते थे। तो क्या हुआ, तब वो कहते हैं भगवान से कि भगवान समय काल समाधि से उठ प्रसाद से उत्तर प्रसाद के पीछे छाया में खुले स्थान पर टहल रहे थे। तो वशिष्ठ ने उनसे कहा, टहलते देखकर कि भारद्वाज को संबोधित किया, अवशु भारद्वाज, भगवान टहल रहे हैं, आओ अवशु भारद्वाज, जहां भगवान है वहां चलते हैं और वहां पर बात करते हैं। तब क्या हुआ, वो आता है और कहता है कि तब वशिष्ठ और भारद्वाज जहां भगवान थे वहां पर गए। तब भगवान ने वशिष्ठ को संबोधित किया, वशिष्ठ तुम तो ब्राह्मण जाति और ब्राह्मण कुल के हो, ब्राह्मण कुल से घर से बेघर हो प्रव्रजित होना चाहते हो। वशिष्ठ क्या तुम्हें ब्राह्मण लोग नहीं निंदते, यानी कि तुम्हारी निंदा ब्राह्मण नहीं करते, क्या तुम्हारी हंसी नहीं उड़ाते? अब यहाँ पर ये बुद्ध ये बात कर रहे हैं कि क्या ऐसा गौतम बुद्ध ऐसे जो तुम्हारे जो समाज के लोग हैं ऐसा नहीं करते? तो वो कहता है हाँ हाँ बनते, ब्राह्मण लोग अपने अनुरूप पूरे परिहासों से हमें निंदित मतलब हमारी निंदा करते हैं, हम पर हंसते हैं। तो वशिष्ठ किस प्रकार ब्राह्मण लोग तुम पर हंसते हैं भाई? तो बनते वो कहता है कि ब्राह्मण लोग कहते हैं कि ब्राह्मण ही श्रेष्ठ वर्ण है, दूसरे वर्ण हीन है। ब्राह्मण ही शुक्ल वर्ण है, दूसरे वर्ण कृष्ण है। ब्राह्मण ही शुद्ध होते हैं, अब्राह्मण नहीं। ब्राह्मण ही ब्राह्मण के मुख से उत्पन्न हुए हैं, ब्राह्मण जात, ब्राह्मण निर्मिति और ब्राह्मण वाद्यस्य। जो तुम लोग जो श्रेष्ठ वर्ण से गिरकर नीच हो गए हो, ये मुंडी श्रवण नीच इंब कृष्ण भ्रष्ट और ब्रह्मा के पैर से उत्पन्न है, यह आप लोग नहीं चाहिए।
या आप लोगों के अनुरूप नहीं है कि आप लोग श्रेष्ठ वर्ण को छोटा नीच वर्ण के हो जाएं। बनते ब्राह्मण लोग इस तरह निंदते और हंसी उड़ाते हैं। वशिष्ठ, वे ब्राह्मण पुरानी बातों को भूल जाने के कारण ऐसा करते हैं। क्या है? तो बुद्ध कह रहे हैं, क्योंकि उस समय की जो मान्यताएं थी तो उसमें ब्राह्मणों के अंदर इस तरह के अभिमान रहे होंगे या उस तरह की बातें ब्राह्मण करते होंगे कि वो जन्म से अपने आप को श्रेष्ठ मानते थे। मैं बार बार आपसे कहता हूं कि ये जन्मना श्रेष्ठवाद की जो मानसिकता है ये बौद्ध युगीन है। बौद्धों के समय पे जो वर्ण व्यवस्था थी वो कर्मणा ना होकर के वो जन्मना हो चुकी थी और इसकी झलक अभी आपको यही दिखेगी। लेकिन गौतम बुद्ध क्या कह रहे हैं कि वशिष्ठ, वे ब्राह्मण पुरानी बातों को भूल जाने के कारण ऐसा कहते हैं। ब्राह्मण ही श्रेष्ठ वर्ण है। वशिष्ठ ब्राह्मण, अब बीच में ही टोकी है पहले सर, मैं आपसे स्पष्टीकरण लूंगा ना। नहीं नहीं, एक बात आपको याद रखने के लिए बोलता हूँ, ब्राह्मण्स भूल गए थे उसका पूरा उसका इतिहास, इसलिए बुद्धा ने स्टार्टिंग पॉइंट ओरिजिन ऑफ क्या। नहीं, मैं उर्दू बोल रहा हूँ। नहीं, ये थोड़ा समझ में रखिए। मैं वही तो अपने आपसे ज्यादा इंटेलिजेंट तो यहाँ कोई पैनल में है नहीं और दर्शक भी आपसे ज्यादा इंटेलिजेंट नहीं है भैया। नहीं नहीं, अपनी इंटेलिजेंसी आप हर जगह ना दिखाएं, थोड़ा सा मुझे स्पष्ट कर लेने दें क्योंकि आपके साथ साथ मुझे दर्शकों को भी जवाब देना है। ब्राह्मणों की ब्राह्मणिया रीति, यानी अब वो क्या तर्क देते हैं, बुद्ध क्या तर्क देते हैं, तो ये कहते हैं कि भाई ब्राह्मणों की स्त्रियां भी जो है वो रीतियानी होती हैं, गर्भिणी होती हैं, उनका भी प्रसव सामान्य रूप से होता है, जैसा कि भाई सत्य बात है। ये सारी चीजें वहां पे वो समझाते हैं और कहते हैं कि जब सबका जन्म एक ही जैसा होता है, सबकी जन्मने का स्थान एक ही जैसा है, तो फिर इसमें कोई जन्म से श्रेष्ठ और कोई जन्म से नीचे कैसे हो सकता है। तो यहाँ पर तो बहुत लंबी चौड़ी बात हो रही है, लेकिन जब यही बुद्ध हैं या यही जब इनके ग्रंथ हैं, इन्हीं ग्रंथों में जब अन्यत्र जगहों पर आप देखेंगे तो यही गौतम बुद्ध जो हैं ये ब्राह्मणों को इसलिए कोस रहे हैं, कह रहे हैं कि तुम तो साक्यों की दासी से पुत्र पैदा हुए हो, हम तो फिर भी श्रेष्ठ हैं क्योंकि हमने तो अपने अपने कुल खानदान में ही शादी ब्याह कर लिया, इसलिए हम श्रेष्ठ हो गए। तो यहाँ पर बात कुछ और है, अम्बष्ट सूत्र में बात कुछ और है, किसी और सूत्र में बात कुछ और है, पूरा का पूरा लीपा पोती हुआ पड़ा है, लेकिन फिलहाल हम बात यहीं पर करेंगे। तो यहाँ पर तो उसको समझाने की कोशिश करते हैं कि देखो भैया सब एक ही जैसे हैं। फिर कहते हैं वशिष्ठ, क्षत्रिय, देखो यहाँ पर क्षत्रिय को पहले संबोधित कर रहे हैं, कह रहे हैं कि क्षत्रिय ब्राह्मण वैश्य और शूद्र चार वर्ण हैं। क्षत्रियों में भी कितने ही जीव हिंसा करते हैं, चोरी करते हैं, मिथ्याचार करते हैं, झूठ बोलते हैं, मिथ्या दृष्टि वाले होते हैं। वशिष्ठ, इस तरह जो धर्म बुरा, यानी कि जो अब उनको यह कहना है कि हर जाति में लोग अच्छे और बुरे होते हैं, ठीक है, तो ये कहना कि कोई व्यक्ति जन्म से अच्छा है और जन्म से बुरा है, ये बात बिल्कुल निरर्थक है और गलत है। तो यहाँ पर ये पहला चैप्टर यहाँ पे क्लोज होता है। तो ये कह रहे हैं कि कोई व्यक्ति जन्म से श्रेष्ठ नहीं होता। तो यहाँ जन्मना व्यवस्था जो, यानी कि जन्मना श्रेष्ठ बोध की जो भावना है, उसका विरोध करते हुए यहाँ पर इस प्रसंग में आपको बुद्ध के द्वारा और वशिष्ठ के संवादों में देखा जा सकता है। अब इसके बाद आता है मनुष्य की प्रगति, तो फिर प्रलय के बाद की सृष्टि के बारे में बात करते हैं। तो ये हमारे भाई साहब कह रहे थे कि असल में वशिष्ठ से बात होती है कि ब्राह्मण जो है वो श्रेष्ठ है या नहीं है, वर्ण व्यवस्था की बात होती है, जन्म से श्रेष्ठ और जन्म से नीच होने की बात होती है। तो ये तो बात इसी चैप्टर में हो गई, पहले ही चैप्टर में हो गई कि भैया यहाँ पर ये पूरा का पूरा शीर्षक जो है, प्रसंग जो है वो पूरा हो गया। यहाँ पर आप देख सकते हैं, पहला है वर्ण व्यवस्था का खंडन करते हैं इसी संवाद में, वशिष्ठ से संवाद करते हैं तो सबसे पहले उसको वर्ण व्यवस्था के ऊपर उत्तर देते हैं कि भैया देखो वर्ण व्यवस्था में कोई व्यक्ति जन्म से श्रेष्ठ नहीं होता। तो फिर वशिष्ठ पूछता है कि एक और शंका है, क्या शंका है भाई? तो बहुत दिन बीतने के बाद प्रलय के बाद की सृष्टि कैसे होती है, अब वो ये पूछता है उनसे। तब फिर बुद्ध बताते हैं कि बहुत दिन बीतने के बाद एक समय आएगा जब जो लोग है प्रलय होगा, ये मैं आपको ऑलरेडी सुना चुका हूं, ठीक है। उसके बाद से फिर कहते हैं कि देखो वशिष्ठ, तब सत्तों यानी मनुष्यों का आरंभिक आहार क्या होगा। ये हमारे भाई साहब तब से अमीबा अमीबा चिल्ला रहे हैं, कह रहे हैं कि अमीबा की बात हो रही है। यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है तब सत्तों, यानी कि सत्तों यानी कि मनुष्यों का आहार क्या होगा। तो मनुष्यों का जो आहार होगा, तो सबसे पहला आहार क्या होगा कि भैया धरती पर मलाई की तरह काई जम जाएगी, मनुष्य जो है उसी को चाट चाट करके खाएगा। उसके बाद जब ये खत्म हो जाएगा तो उसके बाद पृथ्वी पर तब कोई लालची सत्व जो होगा, अब अमीबा पता नहीं कहां से लालच करता है, हमारे भाई साहब पता नहीं कौन सी दिव्य दुनिया से आए हुए हैं, कह रहे हैं कि अमीबा लालच करता है। और यहाँ पर देखो अमीबा की हरकत देखो, कितना बदमाश अमीबा है। तब कोई सत्व लालची, यानी कि इसमें सत्व को अमीबा मान लेता हूं, तब कोई अमीबा लालची था, अरे ये क्या है, वह सोचने लगा। अमीबा में दिमाग भी होता है, वह सोचने लगता है, फिर सोच रहा है कि रसा पृथ्वी को अंगुली से चाटने, अब ससुराल अमीबा की उंगली भी है,
देख रहे हो ना कितना गजब का ये वो हो रहा है एवोल्यूशन। ससुरा अमीबा का उंगली भी है, उंगली अपनी अपनी उंगली से वो चाट रहा है उठा उठा के, उसको लालच भी आता है, वो सोचता भी है, उसकी उंगली भी है। अरे भैया कम से कम इसको पढ़ रहे थे तो कम से कम जिस अमीबा को घुसेड़े हो इसमें कम से कम उसका हाथ पैर तो चेक कर लेते हैं। शर्म नहीं आती इतना बड़ा कपूरपंथी करने के लिए? पूरा का पूरा किताब खुलवा दिया हमसे, इसमें कहां अमीबा की बात लिखी हुई है? यहां पर तो साफ साफ लिखा हुआ है कि अमीबा लालची था, उसने सोचा कि रसा पृथ्वी उंगली से चाटने लगा। अब अमीबा की उंगली कहां होती है भैया? हमको अमीबा की उंगली दिखाओ पहले, उसका लिंग नहीं होता है तो उसकी उंगली कहां होती है? हमको पहले दिखाओ तब हम आगे बढ़ेंगे, हमको अमीबा की उंगली दिखाओ। चलो हाँ सर, ऐसा ही जाते जाते पूरा एवोल्यूशन के बाद वो एक्सप्लेन करते हैं। ऐसा ही जाते जाते पूरा एवोल्यूशन मत करो भैया, हमको पहले अमीबा की उंगली दिखाओ, ठीक है? हाँ। उसका दिमाग दिखाओ जिससे वो सोच रहा था, और वो उंगली दिखाओ जिससे वो चट चट चाट रहा था। जब तक वो दिखाओगे नहीं अब तुमको आगे नहीं बढ़ने देंगे भैया। ये यहाँ पर एवोल्यूशन घुसेड़ के आपने अपनी खुद की बैंड बजवा ली है सर, मतलब कुछ भी यार, अलग चैप्टर नहीं है, एक ही चैप्टर का ये वसेटस का। अगर एक ही चैप्टर है, अगर एक ही चैप्टर में मैं मान लेता हूँ कि चलो ये एक ही चैप्टर है, वशिष्ठ ही प्रश्न कर रहा है कि प्रभु बताओ कि सृष्टि की उत्पत्ति कैसे हुई, तो ये सृष्टि की उत्पत्ति में ये क्या बताना है यार कि ये मनुष्यों का आरंभिक आहार क्या था? अब यहां पर लिखा हुआ है कि मनुष्यों के आरंभिक आहार के बारे में, ये थोड़े लिखा हुआ है कि अमीबा के आरंभिक आहार के बारे में। अगर यहां पर अमीबा की बात कर रहे होते वशिष्ठ से तो कहते थोड़े ना कि उसके पास दिमाग था, उसके पास उंगली थी और वो चाटता था, ये क्यों कहते? अच्छा सर, फिर बाद में मनुष्य प्राणी आते हैं। अब निकलो चुपचाप, आप एक्सपोज हो चुके हो पूरी तरह से। सॉरी सॉरी, मुंह से निकल गया, आई एम सॉरी।